हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिल्ली पोटैटो। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये हमने आलू लिए हैं, चार आलू लिए हैं हमने। इसके ऐसे पीसेस कर लिए हैं जैसे फ्रेंच फ्राइज के पीसेस होते हैं, वैसे हमने कर लिए। ये आलू को हमने डिप करके रखा था पानी में। थोड़ा पानी देखेंगे तो ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला पानी हो गया, इसमें स्टार्च आ गया इसका आलू का, तो हमने डिप करके रखे थे 10 मिनट के लिए। अब हम इसको बॉयल करेंगे, इसको छान लेंगे और बॉयल करेंगे इसको। ये आलू हमने छलनी में छान लिए हैं, अच्छी तरह उबल गया पानी। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और ये आलू इसमें डाल देंगे हम इसको आलू को उबालेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे। ये आलू उबल रही है, इसको हिला देंगे हल्का हल्का और इसको 4 मिनट तक हम इसको उबालेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और इसके अंदर नमक चला जाए। ऐसे करने से जब हम फ्राई करेंगे इसको तो एकदम ये क्रिस्प बनेंगे, इसलिए हम इसको बॉयल कर रहे हैं। आलू हमारे हो गए हैं, हाफ कुक्ड हो गए हैं आलू हमारे। यहाँ अगर आप दबा के देखेंगे हल्का सा, ये हल्का दबाने पर हल्के से ये मैश होएंगे, तो बस हम इतने ही करने हैं। अब हम इसको छान लेंगे, गैस बंद कर देंगे। आलू हमने इसमें डाल लिए छान के, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, ये हमने मैदा लिया 1 टेबलस्पून, ये चावल का आटा है राइस फ्लोर, आधा चम्मच नमक, इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको ताकि ये कोट हो जाए इस पर अच्छे से। ये अच्छे से कोट हो गया है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर, 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। इसका हम घोल बना लेंगे, गाढ़ा गाढ़ा हम घोल बनाएंगे इसका, क्योंकि हम इसमें डिप करें आलू को। पेस्ट बना लेंगे इसका, गाढ़ा गाढ़ा हमने बना लिया इसका बैटर। इसमें जो आलू हमने करे थे वो हम आलू डालेंगे और कोट करके इसको फ्राई करेंगे। हम आलू डाल लेंगे हम सारे। अब इसको हाथ से ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, हम एक एक पीस डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। मीडियम पे हम फ्राई करेंगे इसको। ऐसे हम सारे डाल देंगे इसके अंदर। ये फ्राई हो गए हैं, अभी हम निकाल लेंगे क्योंकि हम दोबारा भी फ्राई करेंगे, इसलिए हमने हल्के फ्राई करे हैं अभी। ऐसे हम सारे फ्राई कर लेंगे, आप आवाज सुन सकते हैं इसकी, अभी से क्रिस्प लग रहे हैं ये। तेल हमने तेज गरम कर लिया, अब हम इसको डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सारे हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये दोबारा करने से ये क्रिस्प हो जाएंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे इसमें प्लेट में।
हमने सारे निकाल लिए इसमें, ये इतने क्रिस्प हो गए हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। गैस हमने ऑन कर लिया, हमने ये कढ़ाई ली है, आपको ये सब वॉक भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे तेल, 1 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे इसके अंदर। इसमें डालेंगे लहसुन चॉप करी हुई, इसको भून लेंगे। साथ ही डालेंगे अदरक के जूलियंस करे हुए हमने, वो डाल देंगे इसके अंदर। ये हो गया हमारा, ये हमने अनियन है स्लाइस करे हुए हैं, एक स्मॉल अनियन है, इसको डाल देंगे इसके अंदर। आँच हमने तेज ही रखेंगे, फ्लेम तेज रखेंगे। इसके अंदर कैप्सिकम डालेंगे, एक कैप्सिकम है। इसमें डालेंगे ये दो हरी मिर्चें, ये भी इसके अंदर डाल देंगे स्लिट करिए। डालेंगे हम सोया सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। चिली सॉस है ये 1 टेबलस्पून, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डाल दी हमने, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, इसको मिक्स कर देंगे। ये आंच पे इसको होने देंगे हम। स्लरी हमने कॉर्नफ्लोर लिया 1 टेबलस्पून, इसमें पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, जो इसमें डालेंगे। ये इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हम वाइट तिल है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अब हम डालेंगे पानी, 1/2 कप पानी डालेंगे। इसको उबाल आने देंगे, हम फ्लेम इसकी तेज ही रखेंगे। इसमें उबाली आनी शुरू हो गई है, ये हमने कॉर्नफ्लोर जो बनाया था ये हम डाल देंगे इसमें। जो हमने ये फ्राई करे थे ये हम इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और कोरिएंडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे इसके ऊपर व्हाइट तिल डाल के। पोटैटो बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कई अपडेट्स डालती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।